हेलो स्टूडेंट्स, इट्स क्लास सेकंड सब्जेक्ट टीवीएस एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नेम माय बॉडी। इस चैप्टर में हम लोग अपनी बॉडी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट Chapter 6, My Body. The human body can do many clever things. It can think, feel, speak, read and write. How does it do these things? Our body has different types of organs: external organs, internal organs and sense organs. All these work together so that we can do our daily activities. स्टूडेंट्स, हम लोग की बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बहुत सारी क्लेवर थिंग्स कर सकती है। मतलब हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो करने के लिए हमें माइंड की जरूरत होती है। हम थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये सारे काम हमारी ह्यूमन बॉडी करती है। अब ये सब काम करते कैसे हैं? हाउ डज इट वर्क? ये सब होता कैसे है? हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन। ये 3 टाइप के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं। ये सारे मिल करके हमारी बॉडी की दिन भर की एक्टिविटीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब ये सारे ऑर्गन्स मिल करके काम करते हैं तभी हम अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का पूरा वर्क कंप्लीट करते हैं। एक्सटर्नल organs, बॉडी parts which आर आउटसाइड एंड which वी कैन सी आर called एक्सटर्नल organs। हमारी बॉडी के वो parts जो हमारी बॉडी में बाहर की तरफ है और जिन्हें हम देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल organs बोले जाते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल organs शो किए हुए हैं। अवर हेड, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, fingers and toes are examples of external organs. ये सारे external organs के example हैं। Internal organs, the organs which are inside our body and cannot be seen are called internal organs. The brain helps us to think. It tells our body what to do. It controls the other organs of our body. हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते, वो इंटरनल ऑर्गन्स बोले जाते हैं। हमारा ब्रेन ये हमें थिंक करने में हेल्प करता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसमें हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करता है। हमारा ब्रेन ही हमें टेल करता है, हमें बताता है कि हमारी बॉडी को क्या करना है। व्हाट टू डू इट टेल्स बाय आवर ब्रेन। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पर कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर कंट्रोल हमारे ब्रेन का ही होता है। हमारा ब्रेन जैसा इंस्ट्रक्शन देता है, जैसा ऑर्डर देता है, वैसा ही हमारे बॉडी के ऑर्गन्स करते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स। ऑफ अवर बॉडी वी हैव 2 लंग्स। They help us to breathe. Our stomach digests the food we eat. हमारा हार्ट वो बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। मतलब हमारे जो ब्लड है बॉडी में, वो हमारे हार्ट की मदद से ही पूरी बॉडी में मूव करता है। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। लंग्स हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। आप लोग जब भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इसमें हमारे लंग्स हमारी हेल्प करते हैं। हमारा स्टमक ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। हमारे लंग्स
ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं, और हमारा स्टमक ये फूड को डाइजेस्ट करता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम हमारा स्टमक करता है। सेंस ऑर्गन्स, वी हैव स्टडी इन क्लास फर्स्ट दैट वी हैव फाइव सेंसेस, कैन यू नेम देम। क्लास फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि हमारे पास फाइव सेंसेस होते हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। विद अवर आईज वी सी द वंडरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, वी कैन रीड, राइट एंड वॉच मूवीज। हमारी बॉडी में जो फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं वो है आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये फाइव सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है। हमारी आईज की मदद से हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, हमारे आसपास जो पूरी दुनिया है उसको हम देख सकते हैं अपनी आईज की मदद से। आईज की मदद से हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और मूवीज वॉच कर सकते हैं। विद अवर ईयर्स वी हियर डिफरेंट साउंड्स, द टेलीफोन रिंगिंग, द व्हिसल ऑफ अ ट्रेन, द हॉकिंग ऑफ अ कार हॉर्न एंड द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। हमारे ईयर्स की मदद से हम डिफरेंट टाइप का साउंड सुनते हैं, हमारे आसपास जो भी साउंड होता है उसको सुनने में हमारी ईयर्स हमारी हेल्प करते हैं। अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स, दे मे बी नाइस स्मेल्स लाइक अ फ्लावर्स सेंट और बैड स्मेल्स लाइक दैट ऑफ अ गार्बेज डंप। हमारी नोज ये हमें चीजों को स्मेल करने में हेल्प करती है, किसी चीज की स्मेल कैसी है ये हमें हमारे नोज से ही पता चलता है। स्मेल गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। जो नाइस स्मेल है जैसे कि किसी फ्लावर की स्मेल होती है, परफ्यूम की स्मेल होती है, ये सब स्मेल्स नाइस स्मेल्स हैं जिन्हें हमें अच्छी फीलिंग आती है। और कुछ स्मेल्स बैड स्मेल्स होती हैं, जैसे कि गार्बेज, कूड़ा कचरा या खराब चीजें, उनसे जो स्मेल आती है वो बैड स्मेल होती है। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स, इट इनेबल्स अस टू नो व्हाट इज स्वीट, साल्टी और सोर। द स्किन कवर्स द होल बॉडी, इट इज वेरी सेंसिटिव, इवन इफ अ लाइट फेदर टचेस अस वी विल नो इट एट वंस, इट कैन फील व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड। हमारी टंग हमें टेस्ट करने में हेल्प करती है, जो कुछ भी हम खाते हैं उसका टेस्ट हमें फील होता है। हमारे टंग से ही हमें पता चलता है कि किस चीज का टेस्ट स्वीट है, किसका साल्ट है और किसका सोर है, ये सारा टेस्ट हमें हमारी टंग ही बताती है। हमारी स्किन, ये हमारी पूरी बॉडी को कवर की हुई है, हमारी बॉडी पर पूरी चारों तरफ स्किन होती है और ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर कोई चीज हमें हल्का सा भी टच करे तो हमें तुरंत पता चल जाता है, अगर कोई हल्का सा फेदर भी हमें टच कर जाता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि कुछ हमारी बॉडी को टच किया है। ये हॉट और कोल्ड को बहुत आसानी से फील कर लेती है, हम जो हॉट और कोल्ड फील करते हैं वो हमें हमारी स्किन के थ्रू ही पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज द चैप्टर नंबर 6 व्हिच वी जस्ट रीड, सो ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।